कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है द टंडन परिवार में। और आज हम फिर एक और नई जर्नी पर जा रहे हैं, बट इस बार निर्भी के साथ। और ये रहे, और हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं सबसे मिलवाऊंगी। और कहाँ जा रहे हैं जल्दी बताती हूँ आपको। इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और अब हमें थोड़ी बहुत करनी है शॉपिंग। ऑब्वियस है, ड्यूटी फ्री पर आए हैं तो शॉपिंग तो बनती है। शॉपिंग डन। और परफ्यूम्स ले लिए हैं, क्योंकि परफ्यूम्स और लिप शेड्स मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो ले लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये परफ्यूम्स ले लिए हैं। और यहाँ पे आते ही खाना पीना चालू हो गया, देखो है ना। फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट तो मैं भी ले लूँगी। और हम लोग लाउंज में हैं, और जो हमारे लिए फ्रेश जूस बना रहे हैं वो उत्तराखंड से हैं, इंडिया से हैं। हाय बोलो। और अब हम लोग फैमिलीज को ज्वाइन करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे मैं आपको सबसे मिलवाती जाऊंगी। और हम जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं इजिप्ट। और इजिप्ट घूमने जा रहे हैं। ये एक फैमिली है, मैं मिलवाऊंगी, अनीता और देव भैया। और ये है हमारी किट्टू, प्यारी किट्टू। और अभी और भी फैमिलीज आ रही हैं, धीरे धीरे उन सबसे मिलवाएंगे। चलिए तब तक फ्लाइट में बैठते हैं। क्या एक्साइटेड है। और इससे मिलिए नीतू, और पीछे है नेहल। अभी एक और फैमिली है, दोबारा से भी बता सकती हूँ, या अनीता। जैम पैक्ड, बट सब धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। हम सब अब आ चुके हैं फ्लाइट में और सेटल हो गए हैं। और इधर सारे सेटल हो गए हैं। ये दो उधर, तीन इधर, बाकी दो फैमिलीज आगे। निर्भी खुश इस फ्लाइट में, उसको फ्री ये मिल रहा है स्काई टाइम, और वो अपने हिसाब से जो उसको देखना है वो देख सकती है। इजिप्ट में जैसे ही एंटर हुए ना, प्लेन से जो नाइल का व्यू दिखा, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू, ये सब नाइल रिवर है। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था नाइल रिवर को ऊपर से देखते हुए। और सडनली निर्भी ने बताया कि पिरामिड्स भी दिखने शुरू हो गए। और ये देखिए, प्लेन से पिरामिड्स, दो पिरामिड्स दिख गए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से। और ये जब दो पिरामिड्स दिखने शुरू हुए ना, मैं इतनी तेज चिल्लाई कि आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो भी मुझे देख रहे थे। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सपना भी था कि कभी इजिप्ट जाना होगा तो पिरामिड्स को देखूंगी और मम्मीज को देखूंगी। ये ऊपर से ही देखने में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, और पास से देखने में तो वाव। और शाहरुख खान ने ऑलरेडी यहाँ पे शूट किया था। और ये जो ऊपर आपको ये वाला जो पिरामिड दिख रहा है ना, ये स्टेप पिरामिड था, ये तो बहुत ही बढ़िया था। और आप नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। हैं कायरो में, और एयर अब हम लोग प्लेन से नीचे उतर रहे हैं। हम लोग अब आ चुके हैं कायरो एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा नहीं, और फट हमारा इमिग्रेशन हो गया। इसके लिए मैं आपको सारी डिटेल दूंगी। आपके पास अगर यूएस वीजा है तो कोई इशू नहीं है, और अगर यूएस वीजा नहीं है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपका विदिन अ वन डे आपका वीजा आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अब आ चुके हैं कायरो। भीड़ देखो, पूरे में भीड़, खूब मस्त भीड़ है। ये आ चुका है इसका अराइवल, और हम आ चुके हैं बिल्कुल बाहर। और ठीक है, एयरपोर्ट इज ओके, बहुत हाई फाई नहीं, बट हाँ काम जल्दी हो रहा है। और भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की बहुत है।
और हम लोग अब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और क्या रश है, क्या रश है। और यहाँ पे शाम के टाइम हुए हैं 6:20, मस्त रश है। ये पूरा बाहर एयरपोर्ट का है और कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी कहीं से भी निकाल रहा है गाड़ी। ये देखिए, ये मोनो रेल चल रही है, मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए। और एयरपोर्ट से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अपने होटल की तरफ। एयरपोर्ट से एग्जिट है, रश बहुत है, ये देखो बहुत रश है। हम लोग अब अपने होटल आ चुके हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी का इंटीरियर अंदर चल के देखते हैं। होटल हम पहुंच चुके हैं और ये रूम है। रूम में एंटर होते ही ये बड़ी सी वार्डरोब है और बाथरूम ये आ गया। अच्छा है, सामने मैं हूँ और ये अच्छा है, सफिशिएंट मतलब बढ़िया है। और रूम ये अच्छा बड़ा है काफ़ी और बढ़िया रूम है। कैरो के इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं जिसका नाम है इंडिया गेट। और यहाँ देखिए शाहरुख खान, पूरे मेनू में शाहरुख खान है। मेनू में भी देखिए शाहरुख खान प्रॉन्स, शाहरुख खान चिकन, मतलब शाहरुख खान का यहाँ पे भी बोलबाला है। यहाँ पे देखिए हार्ट अटैक भी है, हार्ट अटैक रेस्टोरेंट का नाम है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या खाएंगे और क्या हार्ट अटैक आएगा आपको। और बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट इंडिया गेट, और चाय भी ओके ओके, खाना भी ओके ओके, बट हाँ इंडियन फूड मिल जाता है।